गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू ishrev.com। आज हम कवर करेंगे 26 जुलाई के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली यूनेस्को ने जो हमारे टेम्पल है, काकाटिया डायनेस्टी का टेम्पल हुआ करता है रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना में है, उसको डिक्लेयर कर दिया एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किस टेम्पल को डिक्लेयर किया अभी? काकाटिया रामप्पा टेम्पल को। कुछ इंपॉर्टेंट डेज बताता हूँ, जैसे नेशनल डेंगू डे होता है 16 मई को, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे ये होता है 17 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ये मनाया जाता है 16 मई को, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये मनाया जाता है 17 मई को, इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये मनाया जाता है 18 मई को, और इस वर्ष का थीम क्या था? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ये होता है 18 मई को, लेकिन वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? 1 दिसंबर को। वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? मधुमक्खी, ये 20 मई को मनाया जाता है, और इस वर्ष का थीम क्या था? बी एंगेज्ड। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया ये कब मनाया जाता है? ये 17 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई, और इस वर्ष का थीम क्या था? मेजरमेंट फॉर हेल्थ, मेजरमेंट फॉर हेल्थ। और वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे ये मनाया जाता है 23 मार्च को, कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट ये मनाया जाता है 21 मई को। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई, और इस वर्ष का थीम था टर्टल्स रॉक। इंटरनेशनल टी डे ये 21 मई को। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 22 मई को। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला 23 मई, और इस वर्ष का थीम था वुमेन राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टूला नाउ। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे ये मनाया जाता है 25 मई को। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ये होता है 28 मई, और इस वर्ष का थीम था एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे ये कब मनाया जाता है? 28 मई को। एक ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ये मनाया जाता है 29 मई को, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव बताता हूँ रिसेंटली जो हुई है। राजकुमार केसवानी जो एक मशहूर पत्रकार थे, उनकी डेथ हो गई, और इन्होंने जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में इन्होंने पहले ही अवेयर कर दिया था। एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन, इसके चेयरमैन की चेयरमैन थे श्री कुमार बैनर्जी, उनकी डेथ हो गई। युआन लॉन्गपिंग, जिनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहा जाता है, उनकी डेथ हो गई, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? चाइना से। जो इंडिया ने पहला द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था ओपी भारद्वाज को, जो कि बॉक्सिंग में के कोच हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई। एक बुक लिखी थी एरिक कार्ले ने, द वेरी हंगरी कैटरपिलर, उनकी डेथ हो गई। कर्नल पंजाब सिंह, जो कि जो बैटल ऑफ पूंछ हुआ था 1971 का, जो वार हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, उसके हीरो थे कॉलोनल पंजाब सिंह, उनकी डेथ हो गई। एक मशहूर मैथमेटिशियन MS नरसिम्हन, उनकी डेथ हो गई। CBI के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे के राघवथमन, इन्होंने राजीव गांधी एसोसिएशन की जाँच भी की थी, तो उनकी डेथ हो गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे KK अग्रवाल, उनकी डेथ हो गई। राजेंद्र सिंह जडेजा क्रिकेटर थे और रेफरी थे, इनका भी देहांत हो गया। जगन्नाथ पहाड़िया, जो कि राजस्थान के CM हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई। ली इवांस एक स्प्रिंटर थे, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, तो ये भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और एक पर्यावरण एक्टिविस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था, उनकी डेथ हो गई। और एक इंडियन बॉक्सर काफ़ी मशहूर शक्ति मजूमदार, उनकी डेथ हो गई। और म्यूजिशियन थे लक्ष्मण अक्का विजय पाटिल, उनका भी देहांत हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल ये इस बार किसको दिया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को। पीपल्स एडवोकेट फॉर क्लाइमेट चेंज ये होने वाला है, और इसके लिए किसको नामांकन किया गया? डेविड एटनबैरो को। और जो COP26 होगा उसके चेयरमैन किसको बनाया गया? आलोक शर्मा। और ये इवेंट कहाँ पर होगा? ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। मिस यूनिवर्स 2020 का अवार्ड किसको दिया गया? मेक्सिको की एंड्रा मेजा को, और ये 69th मिस यूनिवर्स बनी है। पंजाब पहला राज्य है जिसने कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, और गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है पंजाबी सरकार ने, जो गाँवों में जो कोरोना जो फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, कोविड फतेह प्रोग्राम, क्या नाम है? कोविड फतेह प्रोग्राम। जो बर्डन की जो कैबिनेट है उसमें उन्होंने अपने सीनियर एडवाइजर किसको बनाया है? नीरा टंडन को। और अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल किसको बनाया गया है? वनिता गुप्ता, वनिता गुप्ता। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? एनाटोली कॉलिनेट मकासो। और
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? ब्राजाविल। एक होता है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो उसकी कैपिटल क्या है? किनशाशा। तमिलनाडु में के तोतीकोरन में एक स्नेक की स्पीसीज खोजी गई थी, उसका क्या नाम है? प्लेटीसेप्स जोसेफी, प्लेटीसेप्स जोसेफी। एक बुक लिखी है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने, उस बुक का क्या नाम है? सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। 6000वां रेलवे स्टेशन जिस पे वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है वो है हजारीबाग, और ये कहाँ पर है? झारखंड में। और पहला जो स्टेशन था जिस पे वाईफाई की सुविधा अवेलेबल कराई गई थी वो कौन सा था? मुंबई सेंट्रल। अमेजॉन ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस, और इसको किस नाम से स्टार्ट किया? मिनी टीवी के नाम से। इंडिया के पहले जो मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने जीता है कॉम्पिटिशन, वेट वर्ल्ड कॉम्पिटिशन, ये कौन है? अर्जन सिंह बुल्लर, जो कि कनाडा में रहते हैं। अर्जन सिंह बुल्लर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें जो भी ट्रैवल स्कूल हैं वहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रैवल स्कूल उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। और बेलारूस में हमारे एम्बेसडर किसको बनाया गया? आलोक रंजन झा, आलोक रंजन झा। और बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिंस्क, मिंस्क। बिहार की सरकार ने एक ऐप लॉन्च करी है HIIT कोविड ऐप, इसमें जो आइसोलेट पेशेंट थे उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। NCPCR ने एक लॉन्च किया एक पोर्टल, उसका क्या नाम है? संवेदना। इसमें जो बच्चे हैं जो कोविड की वजह से प्रभावित हुए हैं उनके लिए टेली काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, टेली काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। वेस्ट बंगाल की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये अभी 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। इंडिया का पहला यूनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे लगाया गया? पुणे में। मोमो ऐप किसने लॉन्च करी है? मणिपुर की सरकार ने। इसमें क्या होगा? घर पे जो फ्रेश वेजिटेबल का उनकी डिलीवरी की जाएगी। एडलैंड प्रोजेक्ट फॉर एल्डरली पर्सन, ये किसने स्टार्ट करी है स्कीम? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम है। 80 मिशन किसने स्टार्ट किया था? सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। इसमें जो 100 दलित युवा एंटरप्रेन्योर होंगे उनको 4 साल में बिजनेस स्टार्ट करवाया जाएगा। पोषण अभियान स्टार्ट किया था सीनियर सिटीजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। और एक ऐप लॉन्च करी थी इन्होंने, सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप। और इनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या नाम है? कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ONGC विदेश लिमिटेड ने ईरान में जो एक जगह है फारजात बी गैस, वहाँ पे तेल के खोजे थे, तेल के भंडार खोजे थे, लेकिन इसको परमिट नहीं मिला वहाँ पे खुदाई करने के लिए, उसकी निकालने के लिए। यूनेस्को की हेरिटेज की टेंटिव लिस्ट में अभी रिसेंटली कुछ प्लेस को नाम दिया गया है, जैसे कि गंगा घाट जो कि वाराणसी में है, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, भेड़ाघाट लमीटा घाट ऑफ नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में, और मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो कि महाराष्ट्र में है, और हायर बंगल मैगालिथिक, एक मैगालिथिक साइट है जो कि कर्नाटक में। ये 6 जो प्लेसेज हैं इनको यूनेस्को की हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तिब्बतन एक्सल गवर्नमेंट अभी रिसेंटली बनाई गई है, और इसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? पेनपा सेरिंग को। वुमेन रग्बी वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर खेला जाएगा? न्यूजीलैंड में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ पाक, ये बुक लिखी है मोहित यूसुफ ने, और इन्होंने एक बुक और लिखी है ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट, ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट। 2020 के मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से किसको नवाजा गया? शंकर बाला सुब्रमण्यम को और डेविड क्लेनर मैन को। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में जो था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान के कौन बनाए गए? मोहित यूसुफ। चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है हायंग 2D। और इंडिया की एक कंपनी है पुणे में जो बेस्ड है MyLab, उन्होंने इंडिया का पहला होम टेस्ट किट बनाया है कोविड की टेस्टिंग करने के लिए, क्या नाम दिया गया उसको? कोवी सेल्फ। वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट आइसबर्ग था जो कि अभी रिसेंटली जो अंटार्कटिका है उसके वेस्टर्न साइड से टूट गया, उसको क्या नाम था? आइसबर्ग A76। रिसेंटली साइक्लोन आया था, साइक्लोन यास, इसका नाम किसने दिया था? ओमान ने, और ओमान की कैपिटल क्या? मस्कट। और अब जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसको नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने, और उसका नाम क्या होगा? गुलाब। रिलायंस जियो कंस्ट्रक्ट करेगी लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम, और ये इंडिया को एशियन कंट्री से जोड़ेगी, और एक जोड़ेगी इंडिया को इटली से। 57वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज किया गया, और इसमें इंडिया की रैंक थी 3rd, और इसमें 1st रहा था USA। अदानी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है उन्होंने एक्वायर कर लिया है SB एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड को।
अभी रिसेंटली हमारा एक जहाज़ था INS राजपूत, वो डिकमीशन हो गया और इसने हमने स्टार्ट किया था 1980 में, इसको 40 साल हो गए थे सेवा देते हुए। और हमने ये किससे लिया था? USSR से। किससे? USSR से। हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया, इसको लॉन्च किया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा न्यू दिल्ली में है। और जो इंडिया ने पहली हनी टेस्टिंग लैब लगाई थी वो लगाई थी आनंद जिले में जो कि गुजरात में है। और जो एक पोर्टल लॉन्च किया था मधुक्रांति पोर्टल, उसका काम क्या था? जो हनी होता है उसका ओरिजिन कहाँ से, मतलब ओरिजिन वो कहाँ से आ रहा है उसकी उसकी जांच करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए मधुक्रांति पोर्टल को लॉन्च किया गया था। एक स्कीम स्टार्ट हुई थी 2003 में PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उसमें ये कहा गया था कि 22 एम्स को सेटअप किया जाएगा। कितने एम्स को? 22 एम्स को सेटअप किया जाएगा। एक ऐप लॉन्च की गई है NMMA ऐप, इसमें क्या क्या होगा? जो हमारे मनरेगा के अंडर वर्कर्स काम करते हैं उनकी रियल टाइम अटेंडेंस की जाएगी। और पहला राज्य जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्थापित करने में फर्स्ट रहा है आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत, वो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। DRDO की एक ऑर्गेनाइजेशन है DRDO DIPS जो कि न्यू दिल्ली में, उन्होंने डेवलप किया है एक कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट, एक कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को डेवलप किया है और उसको क्या नाम दिया गया? DPCO1। और इन्होंने एक कोविड की दवाई भी बनाई है, उसका क्या नाम है? 2DZ। MSN लैब जो है उन्होंने ब्लैक फंगस का एक ड्रग लॉन्च किया इंडिया में, उसको क्या नाम दिया गया? पोसाकोनाजोल। सच कहूँ तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? नीना गुप्ता की। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जिसको ऑस्कर ऑफ द डांस भी बोलते हैं, ये पहली बार किसी इंडियन ने जीता है, उनका क्या नाम है? सुरेश मुकुंद। एटेनिक ग्लिचिट अवार्ड ये किसने जीता है? हॉकी इंडिया ने। और हमारे हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानेंद्र निंगोबाम। लाइब्रेरिया में हमारे प्रेसिडेंट किसको, एम्बेसडर किसको बनाया गया है? प्रदीप कुमार यादव को। और नासा ने कहा कि 2030 के एंड तक अपना पहला मोबाइल रोबोट भेज देगी मून पर, और उसको क्या नाम दिया गया? वाइपर। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने लॉन्च कर दिया अपने मिशन होप, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? असम में। एक रिसेंटली एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ था माउंट नीरा गोंगो, ये कहाँ पे इरप्ट हुआ था? DRC में। उत्तराखंड की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है वात्सल्य योजना जो कि ऑर्फन्स के लिए लॉन्च की गई है, इसमें उनको 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। RBI ने परमिशन दे दी है कि जो ATM है उसमें ऑनलाइन वॉलेट के थ्रू अभी आप पैसे निकाल सकते हैं, उसमें एक ट्रांजेक्शन में आप 2,000 निकाल सकते हैं और पूरे मंथ में 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक कैंप लॉन्च की गई इंडियन गवर्नमेंट, यूनिसेफ और युवा के द्वारा, यंग वॉरियर, इसका काम क्या होगा? जो कोविड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये कैंप लॉन्च की गई है। आयुष मिनिस्ट्री ने 5 वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए, बी विद योगा, बी एट होम, और इन्होंने एक कोविड की दवाई बनाई थी IU64। HSBC बैंक जो है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, उन्होंने अपने जो कस्टमर हैं उनके लिए एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, उसका नाम क्या दिया गया? स्मार्ट सर्व और इंटेली साइन। टेम्पलटन प्राइज 2021 किसको दिया गया? जेन गुडाल को। इन्होंने तंजानिया में जो चिंपैंजी हैं उस पर रिसर्च की थी और इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था। लासो जो कि चाइना की ऑब्जर्वेटरी, उसने रिसेंटली गामा रेज़ का पता लगाया है, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में उसमें जो गामा रेज़ आ रही थी उनका पता लगाया किसने? लासो ऑब्जर्वेटरी ने। रिसेंटली इस साल के अंत तक चीता को रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये चीता कहाँ से लाया जाएगा? साउथ अफ्रीका से। हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है संजीवनी परियोजना, इसमें क्या होगा? जो मेडिकल की सर्विसेज होती हैं वो रिसेंटली तुरंत ही इंस्टेंट घर पर प्रोवाइड की जाएंगी। इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड ये इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको दिया गया? साजी एनाम को, जिनको ट्यूबरमैन ऑफ केरला भी बोला जाता है, ट्यूबरमैन ऑफ केरला। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ लाइंस ये किसने स्टार्ट किया? महाराष्ट्र की सरकार ने। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसका CEO किसको बनाया गया? राजेश पंचल को। अंकुर स्कीम, ये स्कीम किस लिए थी? जो लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं मध्य प्रदेश में उनको अवार्ड किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऐप लॉन्च करी थी वायुदूत ऐप। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए प्रशांत कुमार मिश्रा, और छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है? बिलासपुर में। एक बुक लिखी गई है शिवशंकर मेनन के द्वारा, जो कि हमारे फॉर्मर NSA थे, जिनसे सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट। CBI के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और हमारा जो इस बार FDI आया था, सबसे ज़्यादा किस राज्य में आया था? गुजरात में 37%। और किस देश से सबसे ज़्यादा आया था? सिंगापुर से। और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आया था? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के सेक्टर में।
अफ्रीकन वॉलेट जो कि एक प्लांट की स्पीसीज है वो रिसेंटली कहाँ खोजी गई, मिजोरम में, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, डिडीमोकार्पस विकीफंकी, डिडीमोकार्पस विकीफंकी। ट्राइफेड और नीति आयोग ने स्कीम लॉन्च करी है वंदन योजना, जो कि इंप्लीमेंट की जाएगी जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं 112 है वहाँ पर। IFC ने कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी, जो इन्वेस्टमेंट फंड की समीक्षा करेगी, और ये किसके अंडर तहत किसके अंडर में बनाई गई है, नीलेश शाह, और जो IFSC है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गांधीनगर में। यूनियन कैबिनेट ने कहा है कि वो अपना एक नया कॉन्सुलेट जनरल खोल अपना नया कॉन्सुलेट जनरल इंडिया का खोलेंगे, कहाँ पर, अड्डू सिटी, जो कि मालदीव में है, कहाँ पर है, मालदीव में, और इंडिया अड्डू को डेवलप भी कर रहा है एज ए टूरिज्म के लिए। मेकेदाटू डैम रिसेंटली न्यूज़ में था जो कर्नाटक में, और किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, अशोक कुमार गुप्ता को। स्पेन की राजकुमारी, द स्पेन्स टॉप प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड, और ये सोशल साइंस की कैटेगरी में दिया जाता है, ये किसको दिया गया, अमर्त्य सेन को, इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। पहला इंडियन कौन है जिसको नॉमिनेट इलेक्टेड किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में, ये कौन है, जगदीप पावड़िया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल, और रिलायंस ने एक्वायर कर लिया एक कंपनी है नेटमेट्स उसको, और फार्मेसी ने एक्वायर किया मेडलाइफ को, और अमेजॉन रिसेंटली एक्वायर किया जो हॉलीवुड स्टूडियो MGM है उसको एक्वायर कर लिया किसने, अमेजॉन ने। टाटा कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है स्कूल ऑफ होप एम्पावरमेंट। सेहत ओपीडी पोर्टल ये किसने लॉन्च किया था, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने। इसमें क्या हो, जो हमारे आर्मी के पर्सनल हैं, आर्मी के जवान हैं, वो डॉक्टर से कोई भी सलाह ले सकते हैं, किस पोर्टल के तहत, सेहत ओपीडी पोर्टल। कर्नाटक की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, आकांक्षा पोर्टल। और यूनिट अवेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया यूनिट अवेयर पोर्टल। इसमें क्या होगा, जो हमारे UN पीस कीपर्स होते हैं, UN पीस कीपर्स का काम करते हैं, उनकी जो टेरेन जो हमारे उबड़ खबड़ इलाके हैं उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। चौथे बार बस प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं सीरिया के बशर अल असद, और सीरिया की कैपिटल क्या है, दमस्कस। गिलर्मो लासो को कहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, इक्वाडोर का। किला की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है स्मार्ट किचन योजना। असम की सरकार ने अपॉइंट किया एक गार्जियन मिनिस्टर, जो उनके कई इसके मतलब दो से ज़्यादा जिले की अपॉइंट किए जाएंगे, और ये वहाँ की स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर चेक करेंगे कि कैसे वो परफॉर्म कर रही है। ICICI बैंक ने लॉन्च कर दिया एक फैसिलिटी ऑफ लिंकिंग UPI ID, जो उनके डिजिटल वॉलेट से लिंक कर दी जाएगी, और इनका जो डिजिटल वॉलेट है उसका क्या नाम है, पॉकेट्स। इंडिया में जो लार्जेस्ट स्टेचू है बुद्धा का, रिक्लाइनिंग बुद्धा का, वो कहाँ पे बनाया जाएगा, बोधगया में, और उसमें कोलकाता के आर्किटेक्ट के द्वारा डेवलप किया जाएगा। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 का इस बार किसको दिया गया, CNR राव को, जिनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। एक बुक लिखी है अवतार सिंह बशीर ने, उस बुक का क्या नाम है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। सलमान नसीर द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। WHO ने अपनी पहली बायो हब फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च करी है, स्पेस सिटी है स्विट्जरलैंड में। फियामो नाओमी मताफा ये पहली वीमेन है जो सामोआ की प्राइम मिनिस्टर बनाई गई है, क्या नाम है, फियामी नाओमी मताफा। MHIM इसको लॉन्च किया मणिपुर सरकार ने, होम आइसोलेट जो पेशेंट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लाहौर एक कंट्री है, वहाँ की पहले वीमेन प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, लॉरेंस डेस्कार्स को। फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया, ये किसको बनाया गया, आसीरता वलौटी, जो कि कर्नाटक की हैं, और NIA के डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया, कुलदीप सिंह को। जयंती एक स्पाइडर खोजी गई थी छत्तीसगढ़ में, और इसका नाम किसके ऊपर दिया गया, जयंत विश्वास के नाम पर। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल दिया गया है, और उसका नया नाम क्या रखा गया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। UN मेडल, जो इसको डार्क हैमरस्कॉल्ड मेडल भी बोलते हैं, ये इस बार 3 लोगों को दिया गया, इंडिया के युवराज सिंह, इवन माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव को, क्योंकि इन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान दे दी थी, और इसलिए इनको पोस्टमसली इस अवार्ड से नवाजा गया है UN मेडल से। गोवा शिपयार्ड ने जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के वैसल हैं उनको डेवलप किया है, जैसे कि सजग सार्थक। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एक फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, द एक्लिप्स एंड आफ्टर फेस्टिवल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्कीम लॉन्च करी है युवा स्कीम, और इसमें जो हमारे वर्सेटाइल ऑथर्स हैं उनको
उनको मतलब अवेयर उनको सिखाया जाएगा कि यंग एंड टू ट्रेन को ट्रेन किया जाएगा यंग एंड बडिंग ऑथर जो जिनकी उम्र 30 साल से कम है, किस स्कीम के तहत? युवा स्कीम के तहत। स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर वर्सेटाइल कोविड मोर्टेलिटीज, ये किसने लॉन्च करी? जम्मू कश्मीर ने। FIA प्रेजेंट अवार्ड से किसको नवाजा गया? वी कार्तिकेन पांड्यन को, जिन्होंने उड़ीसा में हॉकी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया। किसने किया? वी कार्तिकेन पांड्यन को। लियोन ओपन 2000 इस बार किसने जीता मैन सिंगल्स में? स्टीफेनोस सित्सिपास जो कि ग्रीस के प्लेयर हैं। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। इन्होंने ओलंपिक में अवार्ड जितवाया था बलबीर सिंह ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल, इसके मेंबर किसको बनाया गया? हेमंत विश्व शर्मा को, और ये 2021 से 2025 तक मेंबर बने रहेंगे। और बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर में। FIH एथलीट्स कमेटी का मेंबर किसको बनाया गया? PR श्रीरेश को, जो कि हॉकी खेलते हैं। और हमारे इसके प्रेसिडेंट कौन है FIH के? नरेंद्र बत्रा। 2021 का जो लाली का टूर्नामेंट हुआ था वो फुटबॉल का, किसने जीता? एटलेटिको मैड्रिड ने। बलजीत को और गुनमन बाला, ये पहले इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट पोमोरी को क्लाइम किया है। और ये माउंट पोमोरी कहाँ पर है? नेपाल में। इटालियन ओपन हुआ था उसको वुमेन सिंगल्स में किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने, जो कि टेनिस खेलती हैं। और ये कहाँ की प्लेयर है? पोलैंड की। और मैन में किसने जीता था? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन की प्लेयर है। और इनका ये 10वां 10वां टाइटल था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2021 में पहली वीमेन कौन है? ताशी यंगजम, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। ताशी यंगजम और जो इंडिया की पहली थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, उनका क्या नाम है? बचेंद्री पॉल। और ये इन्होंने कब क्लाइम किया था? 1984 में। इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीती? मैनचेस्टर सिटी ने। यूएफा चैंपियन लीग किसने जीती इस बार? चेल्सी ने मैन में। और वीमेन में किसने जीती? बार्सिलोना ने। जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये 2021 का, मैन सिंगल्स में किसने जीता? कैस्पर रूड ने, जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं। 2022 का फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप ये कहाँ खेला जाएगा? इंडिया में। और वुमेन सिंगल टाइटल एक ओपन हुआ टेनिस का, एमिलिया रोमागन ओपन, ये किसने जीता? USA के एक प्लेयर है, कोको गॉफ ने। ये थे हमारे 26 जुलाई के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 27 जुलाई के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।